हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए ने जो रिसेंटली आपका नया नोटिफिकेशन रिलीज किया है यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो एनटीए की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर क्लिक करते ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे आपके नीचे नोटिस वाला सेक्शन है, लेटेस्ट एनटीए के जो नोटिस है यहाँ पे आएंगे, आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ही आपका आ जाएगा एनटीए एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो रीड मोड पे तो आपका नोटिस खुल के यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आपका नोटिस खुल के आ जाता है एनटीए का पब्लिक नोटिस। 28 जून को उन्होंने ये रिलीज किया है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? एनटीए एग्जामिनेशन कैलेंडर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो जो भी एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका एग्जामिनेशन कैलेंडर उसने सेंड कर दिया है कि आपके एग्जाम जो आने वाले हैं उनके कौन कौन सी डेट होगी। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि अभी आपका रिसेंटली एक एनटीए नेट नेट यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था जो कि कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है, किसी वजह से, जो कि आपका हो गया था ऑलरेडी पेन पेपर मोड से। तो अब वही एग्जाम जो कैंसिल हो गया था उसको दोबारा कंडक्ट करने के लिए नई डेट इशू कर दी गई है। तो उसके रिगार्डिंग आपका नया ये नोटिस है। यहाँ पे लिखा भी है कि दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न कैंडिडेट दैट ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस सम ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जामिनेशंस वर पोस्टपोन और कैंसिल, ठीक है। एनटीए के कुछ एग्जाम्स आपके पोस्टपोन और कैंसिल हो गए थे, जो भी नीट से रिलेटेड इनके ऊपर चल रहा है नेट एनटीए के ऊपर, उसकी वजह से यहाँ पे कैंसिल कर दिए गए थे एग्जाम। अब यहाँ पे बोला है नाउ द फ्रेश डेट फॉर दीज एग्जामिनेशन हैव बीन फाइनलाइज्ड। तो नई डेट इनको दे दी गई है जो कैंसिल हुए थे एग्जाम। अब वो नई डेट कौन सी होंगी? तो तीन टाइप के आपके एग्जाम थे जो कि कैंसिल कर दिए गए थे। पहला है आपका एनसीईटी, इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन अब है आपकी 10 जुलाई, 10 जुलाई को आपका ये एग्जाम होगा। और मोड क्या होगा इसका? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब होता है ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन आपका ये एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। दूसरा है आपका ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट, ठीक है, ये आपका होगा 25 से 27 जुलाई के बीच में। ये भी आपका कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका मोड ये होगा एग्जाम का। और थर्ड है आपका मेन यूजीसी नेट जून 2024 साइकिल, जो आपका हुआ था अभी जबकि, और वो कैंसिल कर दिया गया था। यहाँ पे बोला है वो होगा आपका 21 अगस्त, 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर के बीच में आपका जो है नेट यूजीसी नेट कंडक्ट कराया जाएगा। और इसका मोड ध्यान रखना यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया है। यहाँ पे नीचे नोट भी है कि जो आपका पहले एग्जाम हुआ था वो पेन एंड पेपर मोड से हुआ था, जब कैंसिल हुआ था वो आपका ऑफलाइन मोड था, पेन पेपर मोड था, वो थोड़ा इजी होता है, इजी पड़ता है, बट अब उन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिख दिया है, मतलब ऑनलाइन मोड टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होगा। तो तैयारी अपने ऑनलाइन मोड के अकॉर्डिंग करके जाएं, ना कि पेन पेपर मोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं आपकी, जो कि हर एक कैंडिडेट को नहीं पता होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इसलिए मैं प्रेफर करूंगी आपको कि आप एक आध घर पे ही अपना मॉक टेस्ट लगा के जाएं, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, कि किस तरीके से फॉर्मेट आता है। यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मॉक इन्होंने टेस्ट अवेलेबल करा रखे हैं, जिसमें कि आप पूरा फॉर्मेट सेम वही होता है जो एनटीए का आपका उधर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आता है। कैसे आपको आंसर टिक करने हैं, कैसे आपको सेव करना है, कब आप स्किप कर सकते हैं कोई क्वेश्चन, कलर इन्होंने कोड बनाए हुए होते हैं कि इस कलर को ये डिनोट करता है, इस कलर से ये है, ग्रीन सेव एंड नेक्स्ट, मतलब आपने कंफर्म कर दिया ये वाला आंसर। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये बेनिफिट होता है आपको कि आप कभी भी आकर के अपना जो है आंसर को चेंज कर सकते हैं, जो कि पेन पेपर मोड में एक क्या होता है, ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है ऑनलाइन, क्या क्या उसमें ऑप्शंस आते हैं, कैसे आप आंसर को सेव कर लेते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारे आंसर टिक करके आ जाते हैं कैंडिडेट, लेकिन उसे सेव नहीं करते, तो वो सारा का सारा उनका क्या होता है, सेव नहीं होता है, उन्हें दोबारा से जा करके सेव करना होता है। तो क्या क्या पॉइंट होते हैं ऑनलाइन मोड टेस्ट में, वो वीडियो जरूर देख के जाना। मैं अपनी वीडियोस लगा दूंगी, अगर मेरी वीडियो देखना चाहो मेरी वाली देख लेना, किसी और के देखना चाहो किसी और के देख लेना, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर जाना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, क्योंकि वहां पे बहुत प्रॉब्लम आती है शफल करने में, आपको एक पेपर वन से पेपर टू में जाने में बहुत दिक्कत आ सकती है। तो एक पहले ही ऑलरेडी अपेयर करके जाना घर से, ताकि आपको वहां पे जाकर के इतनी प्रॉब्लम या डिफिकल्टीज फेस ना हो, ठीक है। और इसके अलावा है फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट है www.nta.ac.in, आप इस पे जा करके, अभी जो मैंने खोली थी एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट थी, जो भी आपके नेक्स्ट आता रहेगा सिटी इंटीमेशन स्लिप, कहाँ आपका सेंटर पड़ा है, सब कुछ आपको इसी वेबसाइट में जाकर के मिलेगा, आप यहाँ विजिट कर सकते हो। इसी के साथ साथ इन्होंने लिखा है द ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट
AIAPGET जिसे बोलते हैं, वो आपका नॉर्मल जो डिसाइड किया था पहले ही 6 जुलाई को शेड्यूल था ये वाला एग्जाम, तो इस 6 जुलाई को ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस वाले एग्जाम के लिए अप्लाई किए थे तो उनकी डेट सेम रहेगी, 6 जुलाई को ही एग्जाम होगा एज इट इज। अपनी प्रिपरेशन इसके लिए भी कर ले, ठीक है। और कोई क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए एंटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, टोल फ्री नंबर है ये, और आप या फिर ईमेल कर सकते हो। अगर एनसीईटी एग्जाम से रिलेटेड है तो ये ईमेल आईडी है, सीएसआईआर से रिलेटेड है तो ये ईमेल आईडी है, और यूजीसी नेट से रिलेटेड है तो आपकी ये वाली आईडी है, इसमें आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो, क्वेरीज पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही आपका, और होपफुली आप सबका एग्जाम अच्छा जाए, और जिन्होंने भी मेहनत की थी कैंडिडेट्स ने उनका क्वालिफाई हो जाए नेट उनका। अभी तो 3 कैटेगरी आ गई है, पीएसटी एंट्रेंस टेस्ट वाली कैटेगरी भी आ गई है, तो ऑब्वियसली आप कर लोगे, नेट भी हो जाए आपका, जेआरएफ भी हो जाए, जिन भी कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छी मेहनत की है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आता है तो मैं वो शेयर कर दूंगी। बहुत टाइम बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके के अपडेट के लिए, और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।